नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। जब कोई कमेंट आता है तो बहुत से लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों, ये जो कमेंट आया है बहुत ही उपयोगी कमेंट है। जितने भी लोग हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लीगल एग्जाम जितने भी लोग देने जा रहे हैं, वो चाहे AIB का हो या किसी भी प्रकार का लीगल एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो इस समय एक असमंजस बना हुआ है। वो असमंजस क्या बना हुआ है दोस्तों, कि अभी अभी तीन नए कानून जो बदल दिए गए हैं, IPC, CRPC और IEA एविडेंस एक्ट जो बदल दिया गया दोस्तों, ये तीन कानून बदल दिए गए हैं। तो अब सबसे बड़ा असमंजस इसमें यह है कि नए वाले में से आएगा या पुराने वालों में से आएगा। हम लीगल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी में जॉब देने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जॉब देने के जा रहे हैं, लीगल एडवाइस के लिए कंपनियां लेती हैं, अदर भी सरकारी के लिए है, किसी प्रकार के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस समय असमंजस है ये, और बहुत घनघोर असमंजस है, होना भी चाहिए क्योंकि बदल दिए गए हैं। तो अब हमें ये वाली IPC पढ़ना है कि जो बदल गया है, BNS आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसे पढ़ना है, इसमें से आएगा कि उसमें से आएगा। तो ये असमंजस जो बना हुआ है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूर करूंगा और ऐसे हिसाब से बताऊंगा कि आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा बिल्कुल। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो मैं उसको कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके दूंगा। जैसे कमेंट आया था, कई लोगों को कमेंट आया था कि सर जी, जो तीन नए कानून बदल दिए गए हैं, हम लीगल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें से दिया जाएगा क्वेश्चन आएगा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो मैं कहा कि अगर एक आदमी को, दो आदमी को जो कमेंट आए उनमें बता दूंगा तो वहीं तक बात पहुँचेगी। अगर मैं इसका वीडियो को पैकेज बना करके दे रहा हूँ तो बहुत से लोगों के तक पहुँच जाएगी बात, और शायद कोई एग्जाम देने जा रहा है, देख लेगा तो उसका भी भला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये अभी नए तीन कानून बदले गए हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे या पुराने ही IPC से आएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी जो नया कानून बदला गया है तीन, वो अभी सिर्फ संशोधित किया गया, पारित नहीं किया गया है, अभी इसका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं आया है, ना तो अभी इसमें से कोई चर्चाएं हो रही हैं किसी प्रकार की। जब इसको पारित हो जाएगा, हर एक जगह से जब ये पास हो जाएगा बिल, और इसको जब लागू कर दिया जाएगा, तब इसमें के क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे दोस्तों। और अभी जितने भी एग्जाम, लीगल एग्जाम आप देने जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो AIB का हो, चाहे किसी कंपनी में आप जा रहे हैं या किसी सरकारी जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी अगर लीगल एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं भी जाएंगे, अभी आपको पुराने वाले में से ही एक क्वेश्चन आएंगे। जो नया कानून तीन पास किए गए हैं दोस्तों, अभी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सोचते हो कि पुराने वाले से आएंगे, उसको हम कैसे पढ़ें, किताब नहीं आ रही है, अभी क्या नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो आप उसको टेंशन से और दिमाग से बिल्कुल उसको फ्री हो जाइए दोस्तों। उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आने अभी, क्योंकि अभी उसको लागू किया नहीं गया है। जब वो पारित होकर के लागू हो जाएगा, तब उसमें के क्वेश्चन आना चालू होंगे और इसमें से हट जाएगी, इसको बंद कर दिया जाएगा। अभी जितने भी एग्जाम होंगे वो टोटल पुराने ही IPC, CRPC, IEA जितने हैं पुराने से ही आएंगे, नए वाले में से नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को ये जो भ्रम था वो दूर हो गया होगा इस वीडियो को देख करके। अगर दोस्तों दूर हो गया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और आप लोगों के भाइयों तक पहुँच सके दोस्तों। धन्यवाद।